आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के मैथ्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैशनलाइजेशन जो चैप्टर वन में है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और सिर्फ एक नहीं, इस टाइप के दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए भी दूंगा। जब डिनोमीटर में तीन टर्म्स हो तो इसका रैशनलाइजेशन, इसका हर का परिमेयकरण करके सॉल्व कैसे करेंगे या इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जितने का भी आएगा, ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपको आसानी से मिल सके बहुत ही आसान मेथड से। देखो, समझने का बिल्कुल आसान तरीका होगा कैसे। ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमेटर। डिनोमेटर में कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स है, लेकिन इसे हम दो पार्ट में या दो पेयर में डिवाइड कर लेंगे, दो पेयर में बांट लेंगे। दो पेयर में बांटने के बाद फिर हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दो टर्म्स वाले रैशनलाइजेशन सीखे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब दो टर्म में बांटना कैसे वो समझना है ध्यान से आपको। देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 2, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 5। तो 2 और 3 अगर प्लस माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ 2 और 3 नंबर को देखो, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो इस पेयर को अलग कर लेते हैं, इसको एक अलग ग्रुप में ले लेते हैं, ओके, और इसको अलग, बस उसके बाद हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, 1/√2 + √3, इस पार्ट को तो हमें ब्रैकेट में लिख लेना है और ये जो √5 है इसे अलग कर देना है, ओके। यानी इन दोनों को एक टर्म मान लिया हमने और इसको एक टर्म, तो दो टर्म में हमने डिवाइड कर लिया, इसे दो टर्म में हमने बांट लिया। अब इसके बाद इसे रैशनलाइजेशन करना, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लो, ओके, साइन कोई चेंज नहीं होगा अभी। अब रैशनलाइजेशन करते हैं, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या, नीचे वाले दोनों टर्म इसे फर्स्ट टर्म मान लिया, इसे ए समझ लिया और इसे बी, तो वही ए प्लस बी या ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूला आपने पढ़ा उसी का यूज करेंगे हम। तो जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये टर्म यहाँ पे जो सिंबल होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो √2 + √3 ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा √5 ऊपर भी और सेम ऐसे ही नीचे भी, क्लियर है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, जस्ट अपोजिट सिंबल करना है, ओके। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, ऑन रैशनलाइजेशन लिख सकते हो, या फिर परिमेयकरण द्वारा, या हर का परिमेयकरण करने पर, ऐसा आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसा भी आप जिस मीडियम में हो वो लिख सकते हो। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, √2 + √3 - √5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे देखो ये ए प्लस बी हो, ये ए हो गया, इस टोटल को हमने ए मान लिया, इसको बी, यहाँ भी ये ए और ये बी, तो अगर इसे आप ध्यान से देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कंडीशन बन रही है इसमें, ए प्लस बी, ये ए और ये बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करना और बस सॉल्व करना है। तो एक ए क्या हो गया, √2 + √3 का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, √ बोल लो इसे, सर्ड बोल लो, बात तो बराबर है। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाली टर्म को तो एज इट इज लिख लेंगे, √2 + √3 - √5, और नीचे अब इसमें देखो ये अपने आप एक टर्म बन गया, इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है वो आपको पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, या इसे आप कह सकते हो 2ab, ओके। इसे आप पहले भी लिख सकते हो और बी स्क्वायर को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √ इसका जब होल स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर 2ab, तो 2a × b, a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू क्या, √3, तो √2 और √3 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, √6, क्लियर है, माइनस। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर करो, तो अभी मैंने बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, इस स्टेप को तो ऊपर वाले स्टेप को तो एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले टर्म्स को, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे ध्यान से देखो, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 2√6, तो ये तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच गया 2√6। अब ये जो आया ये आंसर नहीं हुआ, ध्यान समझना, ये आंसर नहीं है, ये √ का सिंबल है, ध्यान रखना, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जब तक रूट है तब तक हम उसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि हमें अगेन एक बार और रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे,
बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन में टू रूट सिक्स है, तो सिर्फ रूट में जो टर्म है, रूट वाली जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और उसी से नीचे भी। यहाँ साइन चेंज नहीं होता क्योंकि सिर्फ सिंगल टर्म को हमने लिया है, लेकिन अगर जिस दो टर्म को हम लेते हैं है ना, दो टर्म को, तो उस केस में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट सिक्स से अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अंडर रूट ट्वेल्व प्लस अंडर रूट सिक्स से अंडर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट एटीन, और माइनस फिर फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थर्टी, और अंडर रूट थर्टी हो जाएगा ये, क्लियर है। अपॉन में क्या देखो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों टर्म को तो टू तो एज इट इज रहेगा, और रूट सिक्स और रूट सिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ क्या आएगा, सिक्स, क्योंकि जब रूट जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट थर्टी सिक्स हो जाएगा, और थर्टी सिक्स का रूट कितना होता है, सिक्स। या आप यूँ समझ सकते हो, जब दोनों नंबर रूट में एज इट इज सेम है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक बार उस नंबर को लिखा जाता है, रूट खत्म हो जाता है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हमें ब्रेक कर लेना है। अंडर रूट ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री लिख सकते हैं, और प्लस रूट एटीन को क्या लिख सकते हैं, थ्री रूट टू। थर्टी का फैक्टर बनेगा नहीं तो इसको आप एज इट इज लिख लो, और नीचे क्या, ट्वेल्व। अब इन सब में कॉमन कुछ आएगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी कि इससे ये कैसे बन गया, तो मैं बताता हूँ। देखो अंडर रूट ट्वेल्व है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो प्राइम फैक्टर करके, ऐसे लिख सकते हो, टू टू जो फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व, तो टू का जो पेयर बन गया वो तो बाहर आ गया, जो अकेला नंबर बचा वो रूट में। ऐसे ही एटीन का, एटीन का हमने क्या किया, टू थ्री जो सिक्स और सिक्स थ्री जो एटीन, तो थ्री का पेयर बन गया, थ्री बाहर आ गया और रूट टू ऐसे रह गया। और अगर थर्टी का अगर देखें हम, तो थर्टी का फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, टू रूट टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, क्लियर है, टू इंटू थ्री इंटू फाइव। अब इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। क्योंकि अब नीचे देखो तो नीचे अब रूट भी नहीं आया है ना, एक होल नंबर आया हुआ है, तो इसलिए इतने पे हम छोड़ देंगे, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा, अब आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए सेकंड टाइप का, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ क्या था और यहाँ क्या अंतर है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रेशनलाइज वन अपॉन अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क था, देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या है ना, हमने इन दोनों का पेयर बनाया, इनको अलग एक पेयर में ले लिया था, इसको ए मान लिया था और इसको बी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, क्या चेंज है बता सकते हो, यहाँ पर बड़ी संख्या पहले है फिर छोटी संख्या फिर छोटी संख्या, इस तरीके से, कोई बात नहीं, लेकिन करना तो हमें ऐसा ही है। तो पेयर बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से पेयर बनना है देखना। देखो दो और पाँच, प्लस माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ नंबर्स को देखो, दो और पाँच सात होते हैं और यहाँ क्या आ रहा है, सात। तो अगर ये अकेला सात बन रहा है तो हमें इन दोनों को एक पेयर में करना पड़ेगा और इसको अलग, क्लियर है। जैसे वहाँ पर हमने दो और तीन को जोड़ा था, सबसे स्टार्टिंग में दो था है ना, वो क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, वन प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव, ये था। तो इन दोनों से पाँच बन रहा था तो हमने इन दोनों को एक पेयर में किया था, इसको अलग कर लिया था। यहाँ पर इन दोनों से सात बन रहा है तो इसको अलग करेंगे और इन दोनों पेयर को अलग। तो उम्मीद करता हूँ अब यही जो डाउट था वो आपका क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेवन, इसको हमने अलग कर लिया, प्लस अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्लियर है। एज इट इज लिखा है मैंने, बस यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, दो दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब इन जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट सेवन, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। ये बताया था मैंने आपको, जब दो टर्म में हमने डिवाइड कर लिया तो उसके बीच का सिंबल चेंज हो जाता है जब रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो ये यहाँ का साइन चेंज होगा, यहाँ एज इट इज रहेगा, ओके। नीचे भी अंडर रूट सेवन माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, क्लियर है। ये प्लस था तो इस प्लस को हमने माइनस बना लिया। यहाँ पे आप जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिख सकते हो, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या हर का परिमेयकरण करने पर, हिंदी में लिखना होगा। तो मल्टीप्लाई करते, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट सेवन माइनस, चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ क्या लिख सकते हो, रूट फाइव, और ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट टू, क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे। अपॉन में
अब ये ए बन गया और ये पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, बी। वैसे ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब तो आपने एट्थ में भी पढ़ा होगा। तो ए क्या है, रूट सेवन, रूट सेवन का स्क्वायर, और बीच में फिर क्या, माइनस और बी का स्क्वायर। बी क्या है, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, ये ऊपर वाले टर्म को तो हमने ऐसे लिखा। अब नीचे क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेवन आएगा। अब यहाँ माइनस है इसलिए क्या करना, इसे अभी ब्रैकेट में ही लिखना। ओके, अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फाइव आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ टू आएगा, और माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए बी, ए और बी यानी रूट फाइव और रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट टेन। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको यहाँ मैं करता हूँ सॉल्व। ओके, जब ऊपर वाले टर्म को हम लिख लेते हैं, अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, इसको एज इट इज लिखा है। नीचे क्या, ये सेवन हो गया माइनस, अभी दोनों जोड़ेंगे तो सेवन हो जाएगा और ये माइनस में टू रूट टेन हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये तो माइनस रहेगा, ये कितना हो गया सात, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू रूट टेन। क्लियर होगा? ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचिया, अब हमारे पास बचा हुआ है रूट सेवन माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू अपॉन में टू रूट टेन। तो अभी भी ये आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे अंडर रूट टेन आ गया। अब नीचे रूट में जब तक आएगा तब तक हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रूट में हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रेशनलाइजेशन का मतलब ये कि हमें रूट को हटाकर इसे नीचे डिनोमिनेटर को होल नंबर में कन्वर्ट करना। ओके, एक पूर्ण संख्या में, यानी जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, जीरो से लेकर जितने भी संख्या है सारी की सारी होल नंबर है। अब फिर हमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, वही नीचे नंबर को छोड़ देंगे जो रूट में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रूट टेन अपॉन में रूट टेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सिंगल टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, एग्जाम में लिख देना, ऑन अगेन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर है? यानी हर का पुनः परिमेयकरण करने पर रूट टेन से रूट सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सेवेंटी हो जाएगा, माइनस रूट फाइव से रूट फाइव से रूट टेन को करेंगे तो रूट फिफ्टी हो जाएगा, और उसके बाद प्लस रूट टू को रूट टेन से करेंगे तो रूट ट्वेंटी। क्लियर है? नीचे क्या, टू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सबको, तो ये तो टू और रूट टेन और रूट टेन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टेन और रूट टेन, तो सिर्फ कितना आने वाला है, टेन और टेन टू जा ट्वेंटी। कैसे, क्यों, देखो रूट टेन और रूट टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में हंड्रेड आएगा, और हंड्रेड का रूट कितना होता है, दस होता है। अब दस को फिर बाहर दो है तो दो से मल्टीप्लाई करें तो बीस आने वाला है। क्लियर है? अब इसको आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर लो, बिल्कुल इसे तोड़ देते हैं। सेवेंटी को आप तोड़ोगे तो सेवेंटी का क्या बनेगा, सेवेंटी को तोड़ोगे तो नहीं बन पाएगा, फैक्टर पेयर सेवेंटी लिख लेते हैं, क्यों नहीं बन पाएगा अभी मैं दिखाता हूँ करके। तो ऐसे लिख लो आप सेवेंटी, और माइनस फिफ्टी को आप क्या लिख सकते हो, फिफ्टी को आप लिख सकते हो फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव और टू, हाँ ये लिख सकते हो, और प्लस ट्वेंटी को क्या लिख सकते हो, टू रूट फाइव। ओके, और अपॉन में क्या लिख सकते हो, अपॉन में लिखोगे जो ट्वेंटी है। क्लियर है? अभी सेवेंटी का क्यों नहीं बना पेयर, तो वो मैं दिखाता हूँ। देखो जो सेवेंटी है रूट में, है ना, ये तो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हमारा हो गया, आंसर हमारा यही है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब नीचे रूट में भी नहीं बचा। सेवेंटी को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो अंडर रूट क्या बनेगा, सेवन इंटू टू इंटू फाइव या टू इंटू फाइव इंटू सेवन, तो इसमें पेयर नहीं बनेगा, तो इसलिए रूट सेवेंटी को हमने ऐसे ही लिख दिया। पचास को तोड़ोगे फिफ्टी को, तो फिफ्टी का क्या होता है, टू इंटू फाइव इंटू फाइव अंडर रूट में, तो पाँच का पेयर बन रहा है इसलिए पाँच बाहर आया और दो अकेला बच गया तो रूट में। और ऐसे ही आप बीस को भी तोड़ोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट बीस को करोगे ट्वेंटी को, तो टू मल्टीप्लाई फाइव।
क्लियर, तो टू का पेयर बन जाएगा और पांच बाहर आ जाएगा जी। ओके, और इसमें कुछ कॉमन आ नहीं सकता, इसलिए आप इसे नीचे वाले नंबर से किसी को आप काट नहीं सकता। ऐसा मत करना है कि कहीं पाँच से आप इसे काटने लग जाओ, फिर दो से काटने लग जाओ, सभी में जो कॉमन आता है उसी से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो होमवर्क में, यानी आपको खुद को खुद से करना है, ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। रेशनलाइज 1/√6 प्लस व √5 प्लस √11। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है, या फिर इसका सॉल्यूशन आप खुद करके चाहो मुझसे चेक कराना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर FB पेज एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से मिल जाए आपको, वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं देख लूँगा आपका सॉल्यूशन सही है गलत है, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट ना हो। हाँ, आपको जिस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, नाइन्थ क्लास के मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आता हो जिस टाइप का, वो क्वेश्चन मुझे आप व्हाट्सएप पे, तो नहीं व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगा मैं आपको, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ इंस्टाग्राम पे, FB पेज पे, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बेस्ट वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन मिलना मैटर नहीं करता, वो तो ऑलरेडी आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन उसको समझाना वो मैटर करता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी है, अब कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। ओके, तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।